नमस्कार, उषा माँ किचन में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपको बताने जा रही हूँ एक ऐसी हेल्दी रेसिपी जिसका मैं यूज़ वैसे तो कुछ चीज़ों का डेली करती हूँ, और एक वीडियो और अलग से मैं बताऊँगी आपको। ये मैंने सोयाबीन भिगोया था और इसमें देखिए स्प्राउट्स निकल आए हैं इस तरीके से, आप देख रहे होंगे इस तरीके से स्प्राउट भी निकल आए हैं ये। तो इसमें बिना स्प्राउट का भी ले सकते हैं, लेकिन मैं स्प्राउट का खाती हूँ, जैसे मर्जी खा लेती हूँ। और स्प्राउट बनाने भी बता दूँगी मैं। इसको भिगोया जाता है और पानी निकाल कर जब भीग जाते हैं तो पूरे दिन में इसको ढक कर के रख दीजिए, स्प्राउट बन जाता है। फ्रिज में भी ढक्कर रख देंगे तो 2 दिन में बन जाता है, और गर्मी में बाहर रख देंगे तो भी 1 दिन में बन जाता है। तो इसको हम बारीक पीस लेंगे मिक्सी में, और इसके साथ मैं 2 से 3 हरी मिर्च लूँगी इसमें डालने के लिए, पीसने के लिए। और थोड़ा सा मैं अदरक लूँगी अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग। अदरक अगर नहीं डालना चाहते तो मत डालिए। और मेरे पास है थोड़ा सा हरा धनिया, हरा धनिया मैं काट करके डालूँगी। और मेरे पास थोड़े से बॉइल्ड राइस है ये, तो बॉइल्ड राइस मैं थोड़ा सा इसमें ऐड करूँगी। और चाहे तो हम इसको सारा भी डाल सकते हैं, और राइस पाउडर हो तो वो भी डाल सकते हैं, मैदा हो तो वो भी डाल सकते हैं, और बेसन है तो वो भी डाल सकते हैं। काफ़ी ऑप्शंस है बाइंडिंग के लिए, जो मर्जी डालिए आप। ये आपके टेस्ट और फ्लेवर पर डिपेंड करती है, और आपके किचन में क्या अवेलेबल है उसके ऊपर भी डिपेंड करता है। ठीक है, अब इन सबको हम पीस लेंगे और एक फाइन पेस्ट तैयार कर लेंगे। और यहाँ मैंने फ्रेश चटनी पीसी हुई है, देखिए चटनी हमेशा फ्रेश बना के खाइए। इसमें कच्ची आम भी डाल करके मैंने पीसी है, और मैं दिखाती हूँ कच्ची आम भी कितनी डाली है। ये 1 पार्ट डाला है मैंने काट करके, और कोरिएंडर इतना लिया था, और 4 से 5 हरी मिर्च ली थी। चटनी बनाना पहले मैंने बता रखा, और ये मैंने लिया था। ये देखिए एक कच्चा आम था, और ये मैंने 1 पार्ट इतना मैंने लिया है, इतने धनिए में इतना पार्ट मैंने यूज़ किया है। अगर ज़्यादा डालेंगे तो हम बहुत खट्टी हो जाएगी। तो चलिए हम इसका पेस्ट बना लेते हैं। इसमें मिर्च डाला है, अदरक डाला है, और चावल, इन तीनों का सबका पेस्ट बना लेते हैं। और इसमें अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग जो मसाले डालने हैं वो हम ऐड करेंगे। और ये सब कुछ मैं डब्बे में रखती हूँ, फ्रेश रहता है मेरा। और ये भी मेरा धनिया सूप तो अभी गीला है, सूख जाएगा, फिर डब्बे में भर के रख दूँगी, एकदम फ्रेश रहेगा। चलिए हम पेस्ट बना। और फ्राई करने के लिए यहाँ मैंने ऑयल लिया है, और कम से कम मैं ऑयल यूज़ करना बताया है मैंने, कैसे ऑयल की बचत की जाती है फ्राई करने के लिए। तो हर वीडियो में मैं कुछ ना कुछ टिप्स देती रहती हूँ, और कभी अलग से भी मैं दूँगी, और साथ में टिप्स दिए जाएँ तो वो ज़्यादा याद रहते हैं, क्योंकि काम करते वक्त ही टिप्स याद रहते हैं। तो काम के वक्त ही मैं बताती हूँ, अगर उस समय ना बताया जाए, अलग से बताएंगे तो किसी को भी नहीं याद रहता, वो तो एक फार्मूला रूल हो जाता है। जैसे हम कहीं से कुछ स्कूल से पढ़ करके आए, तो हमेशा मैं टिप्स आपको हर वीडियो में कुछ ना कुछ देती हूँ। इसीलिए कहा जाता है कि वीडियो को प्लीज़ ध्यान से सुनिए, क्योंकि ये जो छोटे छोटे टिप्स होते हैं ना, इन्हीं से ही काम सुधरते हैं, इन्हीं से ही किचन सुधरती है। कोई भी काम करें, अगर छोटी छोटी बातों को हम इग्नोर कर देंगे तो हमारा काम बिगड़ जाएगा। इसलिए हर छोटी बात पे ध्यान से गौर से सुनिए, और हर किसी की वीडियो पर जाएं तो उससे कुछ सीख करके आते हैं। मैं इसीलिए सबकी वीडियो पर जाती हूँ, मुझे कुछ सीखने को मिलता है, और दूसरों का भला होता है, अपना भी भला होता है। तो और साथ में ये सॉस यूज़ करते हैं। ठीक है, ये अब मैं पीस के पेस्ट बनाती हूँ। बस इसमें अदरक, हरी मिर्च और ये राइस मैंने जो बॉयल किए हुए थे रखे थे बॉयल, मैंने क्या क्या जो मेरे पास अवेलेबल होता है मैं उसका यूज़ करना सिखाती हूँ। और अलग से हमें सब कुछ खरीद के लाना है, यूज़ करना है, तो उसके लिए फिर रेसिपी बनाना बहुत मुश्किल हो जाता है। मैं वही रेसिपी ज़्यादातर शेयर करती हूँ जो रिक्वेस्टेड होती है, और जो किचन में बेस्ट यूज़ कर सकते हैं मिनिमम कॉस्ट पर,
वही रेसिपी यूज़ करते हैं, और जिसे हम बच्चों को भी अपने खिला सकते हैं। और वैसे स्प्राउट वगैरह नहीं खाएंगे बच्चे, तो फिर हम ऐसे खिला सकते हैं बच्चों को। और अभी और आइडिया मैं इसमें दूंगी आपको, वो आइडिया भी बहुत अच्छा पसंद आएगा आपको, देखिएगा। और अब इसको मैं इसको पीस लेते, इसमें एक टिप और दूंगी, वीडियो को ध्यान से देखिएगा, वीडियो को इग्नोर ना करें, मेरे साथ साथ चलना है। अब इसको भी पीस लेते, बस इसको भी हमने पीस लिया है। इसको मैंने थोड़ा सा दलदला रखा है, ज़्यादा बारीक नहीं पीसा, और आपकी मर्जी है बारीक भी पीस सकते हैं। ऐसे ही दूसरा पीस लेते हैं। बस अभी हमारा पीस के ही दोनों चीज़ें। अब हम क्या करेंगे, इसमें मसाले ऐड करेंगे। मसाले अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग, फ्लेवर के अकॉर्डिंग कर सकते हैं। केवल सॉल्टी भी बना सकते हैं, अगर बच्चों के लिए बना रहे हैं केवल सॉल्ट डाल के बनाइए, या तो हम तो यहाँ सब बड़े हैं तो मैं सारे मसाले यूज़ कर रही हूँ। ग्रीन चिल्ली भी है, रेड चिल्ली भी हो गई, एक कोरिएंडर पाउडर हो गया, इसमें प्याज और लहसुन भी आप ऐड कर सकते हैं। और ये मेरा हो गया चाट मसाला 1 चम्मच, ये 2 चम्मच चाट मसाला हो गया मेरा। और ये मेरा हो गया सॉल्ट 1 टेबल स्पून सॉल्ट, क्योंकि चटनी में भी है तो बहुत हमारा 1 टेबल स्पून। थोड़ा सा लग रहा है कम, थोड़ा सा और डाल देते हैं। और इसमें हम थोड़ा सा डालेंगे 1 टेबल स्पून क्यूमिन सीड, फ्लेवर के लिए थोड़ा हींग डालेंगे। हींग तो मैं हर चीज़ में डालती हूँ, और मैं दिखाती हूँ आपको, केवल हींग मैंने इतना सा लिया है, ये बहुत तेज़ होती है हींग, और मेरी हींग तो बहुत बढ़िया है, फ्लेवर भी बहुत अच्छा आता है। अच्छा, अगर आप इसमें कोई कलर डालना चाहते हैं तो हल्दी कलर डाल सकते हैं, लेकिन मैं हल्दी का यूज़ नहीं कर रही हूँ यहाँ पर। और साथ में सामान भी उठा दिया है। अब इसमें कोरिएंडर लीव्स हम ऐड कर देंगे, बस अब हम इसको मिक्स कर देते हैं सबको, यहाँ मिक्स कर देंगे। राइस से हमारी यहाँ बाइंडिंग हो जाएगी, और इसमें आप चाहें तो इसमें मैदा भी ऐड कर सकते हैं, कुछ भी ऐड कर सकते हैं, और इसकी बाइंडिंग कर देती हूँ मैं। और बस ये हमारा पेस्ट रेडी हो गया। अब हम क्या करेंगे, इसको इसमें छोटे छोटे बाउल्स बना लेंगे, इसके हम कोई भी शेप दे सकते हैं, या तो हम गोल शेप दे सकते हैं, या हम इसको बड़े की शेप दे सकते हैं, जो शेप आपको पसंद हो। इसको हम बहुत तरीके से बना सकते हैं, या हम इसको बड़े की शेप दे सकते हैं, इस तरीके से भी बना सकते हैं, राउंड शेप भी दे सकते हैं हम इसको इस तरीके से, और भी शेप है, शेप आप कोई भी दे सकते हैं, मर्जी आपकी। और इसको हम
इस तरीके से हम इसको कोई भी शेप हम दे सकते हैं। और शैलो फ्राई कर लीजिए या डीप फ्राई कर लीजिए। तो आगे जो भी मैं करूँगी आपके साथ मैं शेयर करूँगी। और मैं इसका मैं बना लेती हूँ आगे के लिए, ताकि मैं आपको सारा एक साथ दिखा सकती हूँ वीडियो। फर्स्ट मैंने सरसों का तेल गरम करने के लिए रख दिया है। और जैसा कि मैंने पहले आपको बताया था, अगर स्मेल आती है तो थोड़ा चुटकी भर सॉल्ट इसमें डाल देंगे तो वो स्मेल नहीं आएगी। और मीडियम फ्लेम पर इसको फ्राई करना, जैसे कि मैंने आपको बताया था। अगर एक शेप साइज अगर हाथ से नहीं करना चाहते तो एक सेम चम्मच ले लीजिए, इससे आप इक्वल साइज में डालते रहिए। इससे एक साइज आएगा, एक जैसी चम्मच ले लीजिए। तरीके से सारे बना लीजिए। इवनिंग स्नैक्स में खाइए, चाहे ब्रेकफास्ट में खाइए, ये बहुत हेल्दी बनते हैं और बहुत टेस्टी बनते हैं। और बच्चों को खिलाइए जो डायरेक्ट स्प्राउट नहीं खाते हैं। इसमें आप सोयाबीन की बजाय वो भी डाल सकते हैं, जैसे ब्लैक चना हुआ, जो बच्चे नहीं खाते वो आप मिक्स कर सकते हैं। वेजिटेबल्स भी ऐड कर सकते हैं। तो मुझे आज यही यूज़ करना था तो इसलिए मैंने यही यूज़ किया। अब पलट देंगे इसको। कुछ हमने शेप में सेक लिया, सेक लेंगे। और ये मैंने बाहर निकाल लिया और इनको इसमें छलनी में निकालना जरूरी है, ताकि ऑयल इसका नीचे निकल जाए। अब इसको भी हम सेक लेते हैं। अब कुछ बड़े की शेप में बना देते हैं। इनको मीडियम फ्लेम पर फ्राई करना है, ताकि अंदर से अच्छे से सिक जाए। तेज गैस पर बिल्कुल भी नहीं फ्राई करना है, तो अंदर से कच्चा रह जाएगा। कुछ हम बड़े की साइज में सेक लेंगे इस टाइप से। और अब हम इसको प्लेटिंग करते हैं। और इसके लिए मैंने चटनी बना रखी थी। ये देखिए, कढ़ाई में पूरे में खाली ना रहे, जहाँ जहाँ तेल खा रही है वहाँ वहाँ जो हमें बनाना है पूरी कढ़ाई में होना चाहिए। अगर जितना भी हमारा ऑयल खाली होगा वो हमारा जल जल के वेस्ट जाएगा और ज़्यादा लगेगा। इसमें जब भी कोई भी ऑयल वाली चीज़ बनाते हैं तो देखिए मेरा ऑयल उतना का उतना ही है और हमारे सब फ्राई हो गए। आइए अब सर्व करते हैं। ये हमारा रेडी है सर्व करने के लिए। इसके साथ मिर्च बहुत अच्छे लगते हैं। और ग्रीन चटनी है, इसको बनाइए, एंजॉय कीजिए। और वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जो बच्चे नहीं खाते इस तरीके से स्प्राउट्स वगैरह, उनको बना के खिलाइए। और इसको पीस करके हम अभी तो मैंने ये किया है, इसको पीस करके हम चीला भी बना सकते हैं, बच्चों को खिलाइए हेल्दी फूड। वो भी सब शैलो फ्राई होता है और इसमें बहुत कम घी लग गया, बहुत कम ऑयल लगा है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और अपलोड देखने के लिए आगे नीचे साइड में रेड का बटन आता है, सब्सक्राइब लिखा होता है, उसको क्लिक कीजिए और बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए, ताकि कोई भी नोटिफिकेशन मैं डालूँ तुरंत आपके घर पहुँच जाए और आप उसको देख सकते हैं और कोई भी नोटिस मिस नहीं हो। फिर से थैंक्स वीडियो देखने के लिए।